हाय फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप इस तरीके का ट्रेंडिंग व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो एडिटिंग बना सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन में। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको काइनमास्टर ओपन कर लेना है। काइनमास्टर ओपन करने के बाद यहाँ पर प्लस के साइन में चले जाना है। आपको जिस भी किसी रेशो में वीडियो बनानी है वो रेशो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं 1:1 रेशो सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे से आपको कुछ फ़ोटोज़ ले लेनी है। ठीक है, पहले तो कुछ इस तरीके से। उसके बाद सिंपली आपको करना क्या होगा, इस फ़ोटो पे क्लिक कर देनी है और यहाँ पे एडजस्टमेंट वाले में चले जाना है और इस फ़ोटो को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर इज इक्वल टू के साइन पर क्लिक कर देनी है। इसी तरीके से आपको सभी फ़ोटोज़ को एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, इस पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको क्लिप ग्राफिक वाले इफेक्ट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे चले जाना है। यहाँ पर आपको नीचे चले जाना है और यहाँ पर देखिए आपको लाइट स्लाइडर वाले इफेक्ट्स ले लेनी है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नीचे गेट मोड में जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। ये वाले इफेक्ट्स आपको ले लेनी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से आपको सभी फ़ोटोज़ में क्लिप ग्राफिक वाले इफेक्ट्स में लाइट स्लाइडर वाले इफेक्ट्स ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए इस फोटो के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे चले जाना है, इस पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आपको ट्रांजिशन इफेक्ट्स देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको नीचे चले जाना है। नीचे जाओगे तो यहाँ पर देखिए आपको ये वाली इफेक्ट्स ले लेनी है, रिंग ऑफ फायर वाली। अगर आपके पास नहीं है तो आप नीचे गेट मोड में जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये वाले इफेक्ट्स आपको ले लेनी है और यहाँ पे इसकी रेशो 2.0 रख देनी है। ठीक है, इसी तरीके से आपको सभी फ़ोटो के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे चले जाना है और ये वाली इफेक्ट ले लेनी है, रिंग ऑफ फायर वाली, और इसकी रेशो आपको रख देनी है 2.0। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, इन सभी फ़ोटोज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे से ये जो आपकी वीडियो है उसे आपको यहाँ पे से एक्सपोर्ट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो मेरी वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो रही है, हम कुछ टाइम वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो मेरी वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। उसके बाद आपको सिंपली बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद अगेन आपको काइनमास्टर ओपन कर लेना है। काइनमास्टर ओपन करने के बाद यहाँ पे प्लस के साइन में चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको 1:1 रेशो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे मीडिया में चले जाना है। पहले तो आपको एक बैकग्राउंड ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपको लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है और यहाँ पे से आपको एक इमेज ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद इसे फिट टू स्क्रीन कर देना है, इस पर क्लिक कर देनी है और यहाँ पे से इसे एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है और अभी जो आपने वीडियो बनाई थी वो वाली वीडियो ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए साइड में ऑप्शन मिल जाएगा क्रॉपिंग का, क्रॉपिंग कर लेना है, इसे एनेबल कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर से आपको शेप सर्कल ही ले लेना है। ठीक है, उसके बाद इस पर क्लिक कर देनी है और यहाँ पर से इसे एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाली जो फ़ोटो है उसे आपको एक्सटेंड कर देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है और यहाँ पे से ये बबल वाली पीएनजी इमेज ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद इसको इसके ऊपर रख देना है, कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है आपको अच्छे से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टिक कर देनी है, फिर इसे भी एक्सटेंड कर देनी है जहाँ तक आपकी वीडियो है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके वीडियो का ऐसा कुछ इंटरफेस देखने मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको लेयर में चले जाना है और यहाँ पे से आपको ओवरले में चले जाना है। ठीक है, ओवरले में जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको स्प्रिंग बटरफ्लाइज वाली इफेक्ट मिल जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप नीचे गेट मोड में जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे से आपको ये वाली इफेक्ट ले लेनी है और यहाँ से एक बटरफ्लाई ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इधर साइड में रख देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे भी एक्सटेंड कर देनी है आपके पूरे वीडियो में। ठीक है, उसके बाद लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है और यहाँ पे से आपको लिरिक्स वाले इफेक्ट ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको साइड में क्रॉपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे नीचे से थोड़ा क्रॉप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर टिक कर देनी है। ठीक है, फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ रख देना है।
उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको साइड में ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग का, ब्लेंडिंग में चले जाना है और इसे स्क्रीन कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक कर देनी है और यहाँ पर एडजस्ट कर देना है ऊपर की तरफ अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम इसे प्ले करके देखते हैं, इस पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसके कलर एडजस्टमेंट में चले जाना है और इसके कलर एडजस्ट हाई कर देनी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर टिक कर देना है। उसके बाद आपको लेयर में चले जाना है, ओवरले में जाना है। ओवरले में जाने के बाद यहाँ पर से देखिए आपको फायर फ्लाइट वाली इफ़ेक्ट्स ले लेनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नीचे गेटमो में जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर से आपको देखिए ये फर्स्ट वाली इफ़ेक्ट ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद इसे भी एक्सटेंड कर देनी है आपके पूरे वीडियो में। उसके बाद आपको लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है और यहाँ पे से आपको बॉर्डर वाली इफ़ेक्ट्स ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद इसे फिट टू स्क्रीन कर देना है, इसे भी एक्सटेंड कर देनी है अपने पूरे वीडियो में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको लेयर में चले जाना है और यहाँ पर से आपको ओवरले में चले जाना है और यहाँ पर देखिए आपको रोटो करके एक इफ़ेक्ट मिल जाएगी। यहाँ पर से आपको एक फ्लावर ले लेनी है, ठीक है, और इस फ्लावर को थोड़ा छोटा कर देना है और यहाँ पर रख देना है, ठीक है। फिर इसे भी एक्सटेंड कर देना है अपने पूरे वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी वीडियो है वो बनकर तैयार हो चुकी है, हम इसे एक बार प्ले करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी वीडियो है उसमें ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। तो इस तरीके का ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो एडिटिंग बनाना चाहते हो आप अपने मोबाइल फ़ोन में तो बहुत आसानी से बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।